ये लीजिए, जस्ट एक सेकेंड, ये रहा आपका चेक। थैंक यू सर। थैंक्स सर। शुक्रिया। शान, कब तक यार शौर्य के नाम की पॉलिसी लेता रहेगा? मुझे भी थोड़ा करने दे, मैं मामा हूं उसका। अब शुरू हो इससे पहले मैं चलता हूँ। थैंक यू, मुझे कोर्ट जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। सी यू। अरे कहाँ जा रहा है, बैठना यार, थोड़ी बातें करते हैं। मैंने कॉफी मंगाई है। बखूबी जानता हूँ आपको, 10 रुपए की कॉफी पिलाओगे पूरे 10,000 की टांग खींचोगे मेरी। इसीलिए जब भी मैं आपके बैंक आता हूँ ना, बाहर से ही कटने में लगा रहता हूँ। यार ठीक है शान, मैं बिल्कुल टांग नहीं खींचूंगा, पक्का। प्रॉमिस। प्रॉमिस पक्का। चलिए बोलिए क्या बात। शान वो हम सोच रहे थे कि अपने दिल की बात उर्मी से कभी कह नहीं पाओगे शायद। आपने इसलिए रोका मुझे? यार आई अंडरस्टैंड, मैं उर्मी से बेहद प्यार करता हूँ, पर साथ ही साथ मॉम और पापा से भी बहुत प्यार करता हूँ और उनका अनादर नहीं कर सकता। वो दोनों एक अलग ही ट्रिप पे, तो मुझे उर्मी से हर की शादी नहीं करने देंगे क्योंकि उर्मी तलाकशुदा है, शी इज अ डिवोर्सी। वही सब बहू के अरमान एंड लिटरली फंस चुका हूँ मैं, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई। आइदर वे मेरा मरना तो गारंटीड ही है। शान तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो ना। देखो जहां तुम्हारे मॉम डैड कहते हैं वहां शादी कर लो, और जैसे तुम अभी उर्मी की मदद कर रहे हो वैसे वैसे शादी की बात भी तो उर्मी की मदद कर सकते हो, है कि नहीं? आपकी पता प्रॉब्लम क्या है, आपने ना कभी अपनी लाइफ में किसी से प्यार नहीं किया, इसीलिए आप मेरी फीलिंग्स को तो समझ नहीं सकते, बस यहाँ बैठ के मजाक उड़ा सकते हैं मेरा। भैया ये सब हमें करना भी नहीं है। अरे प्यार व्यार का चक्कर होता ना, ये हमें हमें समझ ही नहीं आता यार। एक बात बताए, तुमसे ना कुछ नहीं होने वाला, सही कह रहे हम? तुम ना यही सब करते रहना, ये पॉलिसी निकालो, ये करो वो करो, ठीक है? जो प्यार करने वाले होते हैं ना वो डरते नहीं है तुम्हारे जैसे। थोड़ा आदमी बन जा मेरे बच्चे। थैंक यू, ऐसी बातें करके आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। यार ईशान, अब मुझे तो ना कुछ और डर सता रहा है, पता है? अब क्या हुआ, कौन सा डर सता रहा है आपको? तुम्हारी मॉम का डर, और क्या? तुम्हारी मॉम तुम्हारी शादी करे या ना करे, और उर्मी की शादी जरूर करा देगी, सच कह रहा हूं मैं। सुना है कि वो उर्मी की शादी करवाने के पीछे। आपको भी पता चल गया? हाँ भैया, आप ना कुछ मत करो मेरे लिए, बस यहाँ बैठ के पसर के बीबी बढ़ाओ मेरा, दैट्स ऑल। छान यार तुम फुग्गा थोड़ी ना हो, थोड़ी सेवा बढ़ दी और फट जाएगा। बैठना यार। मुझे नहीं बैठना, गलती की मैंने, यहाँ रुक के जा रहा हूँ मैं। और ईशान तेरे पे तरस खाकर ये सब कह रहा था मैं, अपने दिल की बात उर्मी से कह दे और शादी कर डाल, वरना कुंवारे ही रह जाएगा और बुड्ढा हो जाएगा ऐसे। कैसे बोल दूं भैया, डर लगता है मुझे कहीं उर्मी के प्यार को पाने की ख्वाहिश में मैं उसकी दोस्ती से भी हाथ धो बैठूं। जानता भैया, मैं उर्मी को सिर्फ और सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। उस बेचारी ने बहुत दुख देखे हैं और हम सबने कितनी मेहनत की उसे उसके पास से निकालने में। मैं नहीं चाहता कि यू नो मेरे होते हुए या मेरी वजह से उसकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी दुख आए। I just wanted to be happy, that's all. चलता हूँ। तो यूं ही छुपते छुपते आहे भरते रहोगे क्या? ईशान अपने मन की बात उर्मी से कह दो इससे पहले कि और देर हो जाए, वरना जिंदगी भर उर्मी को गुमनाम फूल भिजवाते रहोगे और देखते देखते दिल के फूल भी मुरझा जाएंगे मेरे भाई।